एक संत, एक तपस्वी, श्री राम की भक्ति में लीन रहने वाले, आप रूप हनुमान जी का अवतार सियाराम बाबा। भगवान श्री राम को लेकर उनकी भक्ति इतनी सच्ची कि उन्होंने कई चमत्कार दिखाए हैं। ऐसा ही एक चमत्कार है कि वो बिना माचिस के दीप प्रज्वलित कर देते हैं। जी हाँ, देखिए, इस वीडियो को देखकर कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये सच है, उनका ये चमत्कार सच्चा है और वहाँ के रहने वाले वासियों ने अपनी आँखों से देखा है बाबा सियाराम को बिना माचिस के दिया जलाते हुए। इनके ऐसे और कई सारे चमत्कार हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी इनके भक्त बन जाएंगे। सियाराम बाबा, जिनके चेहरे पर आप रूप हनुमान जी के रूप का तेज देखने को मिलता है, मोह माया से दूर कई सालों तक हिमालय पर तपस्या की थी और हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं। सियाराम बाबा की उम्र 105 साल है। महान योगी संत श्री सियाराम बाबा माँ नर्मदा जी के किनारे बसे तेलिया भट्टियान गांव में रहते हैं। वे हमेशा लंगोट पहनते हैं। कितनी भी सर्दी रहे, गर्मी रहे या बरसात रहे, श्री सियाराम बाबा जी अपने बदन पर कोई और कपड़ा नहीं पहनते हैं। ना उन्हें गर्मी सताती है और ना ठंड में उन्हें किसी ने कांपते देखा है। उनका असली नाम क्या है वो कोई नहीं जानता। वे जब गांव में आए थे, श्री सियाराम बाबा ने 12 साल का मौन व्रत धारण किया था। कोई नहीं जानता था बाबा कहां से आए। बाबा ने मौन व्रत तोड़ा और पहला शब्द सियाराम बोला। तब से गांव वाले उनको सियाराम बाबा कहते हैं। उन्होंने कितने साल तप किया, कहां किया, उनके गुरु कौन है, ये सब बातें कोई नहीं जानता। उनको हिमालय में तप साधना के दिनों में किन किन महान ऋषि मुनि योगी सन्यासी लोगों के दर्शन दिए, अनुग्रह दिया, इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। सब बातें बड़ी रहस्यमयी और गूढ़ है। श्री सियाराम बाबा ने ये बातें किसी को नहीं कही। आज भी उनको पूछने पर वो एक ही बात बोलते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ मजा देखता। बाबा ने 10 साल लगातार खड़े रहकर साधना की है। खंडेश्वरी साधु अपने तप के दौरान सोना, जागना या कोई भी काम खड़े खड़े ही करते हैं। अपनी खंडेश्वरी साधना के दौरान एक बार नर्मदा माँ ने बाढ़ आ गई और जल स्तर इतना बढ़ गया कि पानी उनकी नाभि तक आ गया, लेकिन सियाराम बाबा एक क्षण को भी हटे नहीं, डटे रहे नर्मदा के तट पर। तब तक पानी का स्तर सामान्य नहीं हो गया। वे इतने सरल है कि आप 2000 का नोट दे दो, 500 का या 100 का, आपका नाम लिखेंगे और सिर्फ 10 रुपए लेकर बाकी सारे पैसे आपको वापस कर देंगे। एक बार अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया से साधक जब नर्मदा शंकर बाबा से योग सीखने आए, तो बाबा ने सभी को सियाराम बाबा से मिलवाने ले गए। वो विदेशी लोगों को दिखाना चाहते थे कि आज भी पृथ्वी पर ऐसे साधु है जो सनातन धर्म के सच्चे रखवाले हैं, जिन्हें माया और मोह छू भी नहीं पाया। हैरान हुए विदेशी की शहर की चकाचौंध से दूर एक बीहड़ गांव में संत आज भी है। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।